नॉर्थ कोरिया ने फिर से अपने आत्मीय विनाशकों का ट्रेलर दुनिया को दिखाया है। जानते हैं क्यों? अमेरिका को हद में रहने के लिए। लेकिन इसी बीच चीन ने भी सुपर पावर को एटमी वॉर की चेतावनी दी। वजह थी ताइवान क्राइसिस। तो क्या इस बार पुतिन, जिनपिंग और किम का गठबंधन महाशक्ति अमेरिका के होश फाख्ता करेगा? क्या समंदर में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी तानाशाह ने फिर से बड़े धमाके को अंजाम दिया है। कोरियाई पेनिनसुला में किम का बारूदी गोदाम देखने को मिला है। तानाशाह किम की न्यूक्लियर तैयारी से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया है कि प्योंगयांग ने एटमी अटैक वाली क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। ड्रिल के दौरान 2 न्यूक्लियर अटैक क्रूज मिसाइल फायर की गई। टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक के तहत मिसाइलों का टेस्ट किया गया। किम का मिसाइल ट्रेलर सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी है, क्योंकि कोरियाई पेनिनसुला में US आर्मी की मौजूदगी से किम खफा है। वहीं अमेरिकी फौज साउथ कोरिया के साथ लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। ऐसे में किम ने टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम देते हुए अपने विनाशकों की नुमाइश की। एक तरफ नॉर्थ कोरिया सुपर पावर की टेंशन बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान के मसले पर चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है। चीन की तरफ से धमकी दी गई है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर हम विनाशक हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में अदावत बढ़ चुकी है। ऐसे में किम और जिनपिंग ने पुतिन के साथ गठबंधन किया, तो यकीन मानिए महाशक्ति अमेरिका की चौतरफा घेराबंदी होना तय है। और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होना तय है। रिपोर्ट, TV9 भारत।